लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं और एकांबरम दोनों बचपन के दोस्त थे। साथ स्कूल जाते थे और साथ ही खेलते थे। स्नातक की डिग्री लेने के बाद एकांबरम ने लॉ की डिग्री ली और वकालत शुरू की। जबकि मुझे अपने पिता का बिजनेस विरासत में मिला। हम दोनों की शादियां लगभग एक ही समय में हुई। जिस तरह से एकांबरम का परिवार बढ़ रहा था, अफसोस उस तरह से उसकी वकालत नहीं चल पाई। लेकिन मेरा परिवार छोटा था और मेरा धंधा भी जोरों पर चल रहा था। यही नहीं, मैंने हमेशा पैसों को बहुत ही सोच समझकर खर्च किया। रामू, मैं बहुत बड़े संकट में फंस गया हूं। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मेरी नौकरी भी चली गई है और मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। मैं उन्हें तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगा। ये नहीं समझना कि मैं तुम्हारे अच्छाई का फायदा उठा रहा हूं, मगर क्या करूं दोस्त, मैं किसी और के पास जा भी नहीं सकता। मुझे और एक बार मदद कर दो। एकांबरम, तुम चिंता मत करो। अरे भगवान पे भरोसा रखो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये लो पैसे, फिर कभी इनकी जरूरत पड़े तो निसंकोच मांग लेना। क्या हुआ? एकांबरम की हालत बहुत खराब है। हे भगवान! डॉक्टर साहब, अप्पा, धीरज रखो। डॉक्टर साहब, अब एकांबरम कैसा है? क्या हुआ है इसे? एकांबरम को हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? अब इसकी हालत कैसी है? कुछ कह नहीं सकते। अरे नहीं डॉक्टर साहब, कुछ तो कीजिए, कुछ नहीं होना चाहिए मेरे मित्र को। तुम्हें कुछ नहीं होगा एकांबरम, तुम ठीक हो जाओगे। ये सब क्या है? मेरी माँ के जेवर। हाँ, उनका क्या? मेरी माँ के जेवर और ये घर के कागजात मैंने गिरवी रखे, उन्हें लेकर अपने पास रख लेना। रामू, सही वक्त आने पर उसे मेरे परिवार को दे देना। अपने परिवार की चिंता मत करो एकांबरम, मैं उनका ख्याल रखूंगा। वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम आराम करो, तुम ठीक हो जाओगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है। नहीं एकांबरम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं रामू, मेरे पास वक्त बहुत कम है। एक हो जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। रामू, तुम्हें कुछ नहीं होगा एकांबरम। एक काम करना। कहो। मेरे जाने के बाद मेरे परिवार की देखभाल तुम ही करना। रामू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ही करना। रामू, एकांबरम, एकांबरम, डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब? एकांबरम, अब्बा, एकांबरम, अब्बा।
देखो तुम ही इस घर के बड़े बेटे हो, अब तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, अपनी माँ और भाइयों का ख्याल रखना होगा। ये लो कुछ रुपए, जाकर अपने पापा के क्रियाक्रम का सामान ले आना। शिवा, मैंने तुम्हारे परिवार के लिए राघवेंद्रा स्टोर्स में एक खाता खुलवाया है। अपनी माँ से कहना कि सारी जरूरत की चीजें वहीं से लिया करें, और इसके अलावा किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो निसंकोच मांग लेना। और रही तुम्हारी पढ़ाई की बात, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करना, फीस मैं दिया करूंगा। धन्यवाद मामा, आप हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। नहीं बेटा, धन्यवाद कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो, एकांबरम तो मेरा परम मित्र था। चलता हूँ। साहब, राघवेंद्रा स्टोर के मालिक ने ये बिल आपको देने के लिए कहा है। अच्छा अच्छा ठीक। लेकिन एकांबरम परिवार के बिल आपके पास? भाई एकांबरम हमारे परम मित्र हुआ करते थे। अच्छा अच्छा। अब उनकी परिवार की जिम्मेदारी हम पर है। अच्छा, ये लो पैसे, अपने मालिक को दे देना और हमारा नमस्ते कह देना। ठीक है बस। मामा, मामा जी। अरे शिवा, आओ आओ बेटे, आओ बैठो। सब ठीक तो है मामा जी? वो क्या है वो? हाँ बोलो बोलो। मामा जी मुझे 10 रुपए चाहिए, छोटे भाइयों के लिए कपड़े खरीदने हैं। उन्हें स्कूल पहनकर जाने के लिए ठीक से कपड़े नहीं है, सब फटे हुए हैं। ठीक है बेटे, तुम्हें 10 रुपए मिल जाएंगे, अपने भाइयों के लिए कपड़े खरीद लेना। मैंने खुद कहा है ना तुमसे, जब भी किसी चीज की जरूरत हो तुम उसे मांग लिया करो। शुक्रिया मामा जी, चलता हूं। मामा माफ कीजिए, मैं आपको बहुत तंग करता हूं, मुझे कुछ पैसे चाहिए, घर का टैक्स जमा करना है, बहुत दिनों से जमा नहीं किया। मुझे आपको इस तरह बार बार परेशान करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, आपके अलावा हमारा है ही कौन। देखो बेटे शिवो, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो निसंकोच मांग लिया करो, और अगर पैसे मांगने में तुम्हें संकोच होता है तो ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, जब तुम कमाने लगोगे तो मांग लूँगा, ठीक है ना? इस बार तुम मैट्रिक का एग्जाम लिखने जा रहे हो ना? जी मामा जी। तब तो तुम्हें अच्छे मार्क्स लेकर पास होना है, समय मिले तो शाम में टाइपिंग भी सीख लेना, ठीक है? और अपने पढ़ाई पर ध्यान देना, ये लो पैसे। धन्यवाद मामा। ये तो मैं सही सोच रहा हूं, एक बार देख तो लूं कि एकांबरम के परिवार के ऊपर मैंने कितना पैसा खर्च किया है। हे भगवान, अब तक मैं एकांबरम के घर वालों को इतना पैसा दे चुका हूं, वो भी बिना किसी ब्याज के, इससे तो मेरा काफी नुकसान हो जाएगा, क्यों ना मैं इनसे कम से कम ब्याज लूं। इसका हिसाब करने के लिए तो मुझे काफी समय की जरूरत पड़ेगी।
हे भगवान, एकांबरम के परिवार वालों पर मैंने इतने सारे पैसे खर्च किए, दूसरों पर दया करके उनकी सहायता करने के चक्कर में मुझे पैसों का काफी नुकसान हो जाता है, और पैसे दान देकर अचानक अगर मैं मर गया तो मेरे बीबी और बच्चों को सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। एकांबरम के परिवार को मैं इतने सारे पैसे दान नहीं कर सकता, मुझे ब्याज लेना पड़ेगा। हे भगवान, इसे भी अभी बुझना था। तो इसका मतलब है तुम उन पैसों पर ब्याज लेना चाहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। और मेरे बीवी बच्चों को सड़क पर लाना चाहते हो? कौन हो तुम? लिखो लिखो, मैं तुम्हारा दिमाग ठीक करने आया हूं। मैं तो इस पेन को ही फेंक देता हूं। फिर तो तुम्हें ठीक करने का कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आखिर तुम कौन हो? मैं तो समझाता तुम मुझे अभी तक पहचान गए होगे। एकांबरम? बहुत अच्छे, तुम तो अपने पुराने दोस्त को आज तक नहीं भूले। हा? पर तुम हो कहां? यही ठीक सामने खड़ा हूं। पर मुझे तो दिखाई नहीं देते। तुम मुझे देखना चाहते हो? हाँ। अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर दिखाई दूंगा। नहीं एकांबरम, तुम तो मर चुके हो, आखिर तुम मुझे क्यों सता रहे हो? क्यों मेरे पीछे पड़े रहे हो? तुम चाहे जो कोई हो, ऐसे मुझे तंग नहीं कर सकते। मेरे प्रिय रामू, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, मुझे भी तुमसे बहुत बात करनी है। क्या क्या बात करनी है तुम्हें? सच सच बताओ, अब तक तुमने मेरे परिवार पर कितना पैसा खर्च किया है? हाँ हाँ बताता हूं, कुल मिलाकर 6,000। 6,000? शाबाश, तुमने इसमें ब्याज भी जोड़ रखा है, क्यों? पर मैंने तो कम से कम ब्याज जोड़ा है। अरे ब्याज की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले असल तो देख ले। वो तो तुम खुद ही देख लो। मैं उसे देख चुका हूं रामू। सुनो, तुम एक अच्छे इंसान बनो और मेरे परिवार को तंग करना छोड़ दो। तुम्हारा पैसा कुल मिलाकर 4,000 रुपया बनता है। मेरे मां के जेवर जो तुम्हारे पास हैं, उन्हें बेचकर अपना पैसा ले लेना और बाकी के पैसे मेरे बेटे को दे देना। मैं तो समझाता तुम मेरे अच्छे मित्र हो रामू, मगर तुमने तो अपना रंग ही बदल डाला। तुमने अब तक जो मेरे परिवार की सेवा की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है?
ये एकांबरम क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? ऐसा मैंने क्या किया है प्रभु? प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भगवान, मेरी रक्षा करो। कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? नहीं तो, कुछ भी तो नहीं। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, बताइए ना क्या बात है? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो स्कूल गए हैं। तब तो ठीक है पार्वती, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। कल रात जब मैं गांव वाले घर गया अचानक मेरे सामने एकांबरम का भूत आ गया। अब तुम तो जान सकते हो कि किसी मरे हुए आदमी के भूत को देखकर एक इंसान के क्या होगा। मैं पूरी तरह डर गया, मैं पसीने से हपातप हो गया पार्वती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत डर गया था पार्वती। आप जानते हैं ये सब क्या है? क्या है? ये आपकी अंतरात्मा की आवाज है। असल में आप अपने दोस्त एकांबरम को बहुत चाहते हैं, इसलिए आपने उनके परिवार का इतना ख्याल रखा। आप एक पुण्य का काम कर रहे थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। पर चूंकि आप एक व्यापारी हैं, ब्याज जोड़ने लगे। लेकिन आपके अंदर भी एक अच्छा इंसान है, उसको ये बात पसंद नहीं आई। दिल ने दिमाग की नहीं सुनी, इसलिए जब आपने गांव के घर में शांत वातावरण में बैठे थे तो आपके आत्मा ने आपको ललकारा, आपसे वो काम करवाया जो आपका दिल चाहता था। ये एकांबरम का भूत या उसकी आत्मा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी अपनी पवित्र आत्मा है, समझे? शायद तुम ठीक कह रही हो पार्वती, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिवा, अब तुम अच्छे मार्क्स लेकर मैट्रिक पास हो गए हो और टाइपिंग भी सीख गए हो। मैंने सरकारी दफ्तर में तुम्हारी नौकरी की बात की है और तहसीलदार साहब ने आज तुम्हें मिलने को कहा है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। ठीक है मामा जी। अरे अरे बेटा, अरे आप नहीं होते तो ना जाने हमारा क्या होता। आओ कमला। आओ। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। नहीं ठीक है। बैठिए तो सही, इसे आप अपना ही घर समझिए, बैठिए। भाभी जी, मैंने आपको यहां पर इसलिए बुलवाया है क्योंकि मुझे आपको आपकी चीजें लौटानी थी। एक तो ये कुछ कागजात हैं जिन्हें आपने बिना देखे ही साइन किए थे। ये आपने अपना घर गिरवी रखकर उसकी एवज में जो पैसे लिए थे उसके हैं। अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इन्हें फाड़ रहा हूं। और दूसरी बात, एकांबरम ने मुझे कुछ रुपये दिए थे, वही पैसे मैं आपको सूद समेत लौटा रहा हूं। लीजिए। अरे हां, ये रहे आपकी सास के कुछ जेवर जिन्हें एकांबरम ने मुझे अपने तिजोरी में सुरक्षित रखने के लिए दिए थे। अब ये सारी चीजें आपके परिवार के काम आएंगी, ले लीजिए। लीजिए भाभी जी, ये आप ही के हैं। और अब तो शिवा को भी नौकरी मिल गई है, तो हो सकता है आप लोगों को हमारी उतनी जरूरत न पड़े। फिर भी
फिर भी कभी जरूरत पड़े तो मैं और पार्वती तो हैं ही, बिना संकोच कहिएगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप दोनों को कैसे धन्यवाद दूं। शिवा के पिता और आप दोनों सगे भाई की तरह रहे। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में आप दोनों भाई बनकर रहे। अन्ना, ये जो आपने हम पर उपकार किया है, हम इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। भगवान आप दोनों को सुखी रखे। अरे अरे भाभी जी, ये क्या कर रही हैं आप? एकांबरम मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। अच्छा आप ये बताइए कि एकांबर भाई ने आपको पैसे कब दिए थे? पार्वती, अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो क्या भाभी जी वो पैसे लेती?